दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोल एंड कैपिसल एपिसोड 210 के पार्ट 2 पर। तो आप वीडियो के अंत तक देखना। यहाँ पर टैंक्सन दोनों जानवर चुपकर भाग रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं चाऊ जो कि इन दोनों जानवर को पावर दे रही होती है थोड़ा टेक हो सके, यहाँ से भाग सके। टैंक्सन कहता है अभी के लिए मेरे पास कुछ चीजें ऐसी है जिसको मैं शो कर सकता हूँ। जिसके साथ ही टैंक्सन अपनी ब्लू स्पर होल रियलम को एक्टिवेट करता है, जिसके साथ ही बीबी उनकी थर्ड स्किल इजिली डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद पीस ग्रैंड सोल मास्टर कहता है काफी ज्यादा कनिंग है, इसने हमारे मास्टर के अटैक को डिपीट करने के लिए अपनी ब्लू स्पर ग्रास को अटैक की तरफ से यूज किया है। और अभी के लिए हम लोग ना तो इसे एक्सपोज कर सकते हैं ना ही उन दोनों जानवरों को पता लगा सकते हैं। जिसे सुनकर बीबी दोंग हंसने लगती है जो कि कहती है जो भी हो कम से कम इन दोनों जानवरों पर किए गए अटैक की वजह से अभी के लिए टैंक्सन का पता चल चुका है। हम लोगों ने काफी टाइम से उसे ढूंढ रहे थे, अभी के लिए टैंक्सन हमारे सामने आ चुका है। यही मौका है जिसे हम बदला ले सकते हैं। टैंक्सन कहता है बात जो भी हो बीबी दोंग की दोनों पेड़ में रेस्टोर नहीं कर सकता क्योंकि अभी के लिए मैं सिर्फ ब्लू स्पर डोमेन को यूज कर सकता हूँ, जिसकी वजह से मैं इसके डोमेन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। टैंक्सन कहता है हालांकि मेरे पास स्लेयर गॉड डोमेन है मगर ये टेक्निक मेरे आरा को छुपा नहीं सकता। अगर मैं इस टेक्निक को यूज किया तो उसके बाद मैं अपने आप को खुद एक्सपोज कर दूंगा। शाऊ तुम दामी को रमी को यहाँ से लेके जाओ। शाऊ कहती है तुम इस बात का याद रखना होगा हम दोनों एक है, अगर इस फाइट में तुम्हें कुछ हुआ तो मैं भी तुम्हारी तरह करूंगी, इस फाइट में आ जाऊंगी। शाऊ उन दोनों जानवर को ले जाने लगती है, कहती है मैं इन दोनों को लेकर जा रहा हूँ। शाऊ यहाँ पर अपनी एक टेक्निक को यूज करती है, इन दोनों जानवर को लेके जाने लगती है। टैंक्सन कहता है बीबी दोंग की डेमोनिक स्पाइडर काफी ज्यादा मसले की बात है और ना ही मुझे इससे डरना है। मेरी डोमेन बीबी दोंग की डोमेन की वजह से पूरी तरह से सप्रेस हो चुके हैं और मेरी लोकेशन इजीली जान लेंगे। मुझे अभी के लिए इन दोनों जानवरों को प्रोटेक्ट करना है, इन सबको टाइम देना होगा ताकि लोग यहाँ से भाग सके। यहाँ पर बीबी दोंग की स्पाइडर अटैक करने के लिए आ जाती है। टैंक्सन अपनी 8 स्पाइडर लेग्स को यूज करने लगता है, इसको किल करने लगता है। यहाँ पर टैंक्सन बीबी दोंग की डोमेन को सप्रेस कर देता है जो कि देखते सारे मास्टर की डोमेन का असर कम हो जाता है। पिस मास्टर कहता है टैंक्सन अभी के लिए रिस्क लेकर उन दोनों जानवरों को बचाने की कोशिश कर रहा है, हालांकि इस बात को उसे पता भी नहीं होना चाहिए कि वो मास्टर के साथ जितना ज्यादा फाइट करेगा उतना ही हर्ट करेगा। अभी के लिए वो अच्छा काम कर सकता है, उसे जितना जल्दी हो सके इस फाइट को कंप्लीट करना होगा ताकि वो दोनों जानवर को बचा सके। लेकिन वो करेगा कैसे क्योंकि वो हमारे साथ कंटिन्यूस अटैक करता रहा तो अपने आप को नुकसान पहुंचाता रहेगा। जिसके साथ ही हम देखते हैं बीबी दोंग को जो कि कहती है हालांकि टेक्निक टैंक्सन को काफी ज्यादा हेल्प कर रही है, अभी के लिए वो दोनों जानवर भी जा चुके हैं। बीबी दोंग अपनी एक सॉल बोर्ड टेक्निक को यूज करती है, जिसे यूज करते ही एक बड़ा सा आई बन जाता है। टैंक्सन कहता है ये पावर बूस्ट काफी ज्यादा स्ट्रांग है, हालांकि जैसा लग रहा है ये मेरी गार्डियन स्पिरिट को सप्रेस करता जा रहा है। जिसके साथ ही स्पेयर मास्टर कहता है ये एम्परर की सोल बॉन्ड टेक्निक है, सब लोगों से इससे छुपाते आए हैं, आज तक इसने इस सोल बॉन्ड टेक्निक को कभी इस्तेमाल नहीं किया गया है। बीबी दोंग कहती है हालांकि ये टेक्निक मेरी माइंड पावर की थर्ड पावर को यूज करती है, इस टेक्निक को यूज करते ही तुम्हारे किसी भी किस्म का इल्यूजन टेक्निक तुम्हें मुझसे नहीं छुपा सकते, तुम यहाँ से बचकर कभी भाग नहीं सकते, तुम यहाँ पर ही हो मैं तुम्हें किल करने वाली हूँ। जिसके बाद मैं अपनी सोल रिंग सोल बॉन्ड को हासिल कर लूंगी। बीबी दोंग की पावर टैंक्सन को सर्च करने लगती है, टैंक्सन से बचने के भाग रहा होता है। टैंक्सन कहता है अभी के लिए अगर मैं यहाँ पर पंड हो गया उसके बाद पांचों के पांचों ग्रैंड सोल मास्टर और बीबी दोंग के साथ मिलकर मेरे ऊपर अटैक कर लेंगे, जिनकी पावर का सामना मैं अभी के लिए नहीं कर सकता और फिर मुझे यहाँ से भागने का एक ही मौका है। बीबी दोंग की आय टैंक्सन को ढूंढ लेती है, टैंक्सन अपनी पर्पल लाइट को यूज करने लगता है मगर पर्पल लाइट इसको कोई भी हेल्प नहीं कर पाता। बीबी दोंग टैंक्सन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, टैंक्सन अपने हाउट एंड हैमर को निकालता है। यहाँ पर हाउट एंड हैमर भी इसे कोई भी हेल्प नहीं कर पाता है, इन दोनों के दरमियान काफी ज्यादा जबरदस्त फाइट स्टार्ट हो जाता है। इस फाइट में टैंक्सन अपनी 8 स्पाइडर लाइंस को भी निकालता है मगर इसमें वो क्रैक पड़ने लगते हैं। बीबी दोंग टैंक्सन को बहुत ही बुरी तरीके से मारते हैं, टैंक्सन ऑलमोस्ट किल होने ही वाला होता है। टैंक्सन अपनी सी गॉड ट्रायंगल को बाहर निकालता है मगर बीबी दोंग इस ट्री गॉड ट्रायंगल को इजिली पार्ट कर लेते हैं और बीबी दोंग इस ट्री गॉड वेपन के अटैक को इजिली डॉज कर लेते हैं। जिसके साथ ही हमारा एपिसोड यहाँ पर कंप्लीट होता है। दोस्तों आपको वीडियो कैसे थे नीचे कमेंट करके जरूर बताना और साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।